दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के वाद्य यंत्र। आज हम राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे, वो भी ट्रिक के जरिए। तो शुरू करते हैं। लोक संगीत को रोचक, प्रभावशाली एवं लयात्मक गति प्रदान करने का साधन ही लोक वाद्य यंत्र कहलाता है। ये लोक वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र, या इनको ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा होता है घन वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले आज हम तत्वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनकी ट्रिक है, तार की सारी एक दो जन की कमाई गुर्जर नाई के चक्कर में चोर ले भाग रहा सीधा जाए। ट्रिक बहुत ही आसान है, सिंपल है। एक बार फिर से पढ़ लेते ट्रिक को। तार की सारी एक दो जन की कमाई गुर्जर नाई के चक्कर में चोर ले भाग रहा सीधा जाए। ये ट्रिक है आज की। तो इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तार से हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र, सारी से हो जाएगा सारंगी, एक से एक तारा हो जाएगा और दूसरे हो जाएगा दुकाको, जन से हो जाएगा जंतर, कमाई से हो जाएगा कमायचा, गुर्जर गुर्जर के अंदर जो रह है उससे तो रबाज हो जाएगा, और जो आगे है गु और जय, जिससे हो जाएगा गुजरी, नाई से हो जाएगा सुरनाई, चक्कर से हो जाएगा चिकारा और रबाब, चोर से हो जाएगा चौतारा, बाप से बफंग, राह से हो जाएगा रावण हत्ता और सीधा से हो जाएगा सुरिंदा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलती है नेक्स्ट वाद्य यंत्र की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र वह यंत्र होते हैं जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, उन्हें ही सुषिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इनकी ट्रिक को देख लेते हैं एक बार। ट्रिक इसकी बहुत ही आसान और सरल होने वाली है। बीना सहा असी मोर तुसी सुमन बाकी सभी हटोना, ये आज की ट्रिक है इसकी, सुषिर वाद्य यंत्रों की। बीना सहा असी मोर तुसी सुमन बाकी सभी हटोना। तो इस ट्रिक को अप्लाई कर लेते हैं। बीना से हो जाएगा बीन, बीन यानी होता है पुंगी, और शाह से हो जाएगा शहनाई, इसको नफीरी भी कहते हैं, ऐसे हो जाएगा अलगोजा, सी से सिंगा हो जाएगा, मुँह से हो जाएगा मोरचंग, और रह से हो जाएगा रणभेरी, तू से तुरई हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिंगी, सु से हो जाएगा सुरनाई, मै से मशक हो जाएगा, न से नड़ हो जाएगा, बा से हो जाएगा बांकिया, की से करना, से हो जाएगा सतारा, भी से हो जाएगा भूगल, है से हरनोई हो जाएगा, टो से टोटो हो जाएगा, और ना से हो जाएगा नागपणी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अवनत या फिर ताल वाद्य यंत्रों की तरफ। पशु के चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र जिसको चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, अवनत या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनकी ट्रिक है, ढोल का ढक्कन घर के खंजर से धंसा दिया चंदन मामा डैड वे मैंने, ढोल का ढक्कन घर के खंजर से धंसा दिया चंदन मामा डैड वे मैंने, ढोल से हो जाएगा ढोलक, ढक्कन से हो जाएगा ढाक, घर से घेरा हो जाएगा खंजर से खंजरी, धंसा से हो जाएगा धोसो धोसा, दिया से दीप को दिया और दीपक, एक तरह से वर्ण है, चै से हो जाएगा चंग, दे से दमामा, ने से नगाड़ा, माँ से मांदल, माँ से हो जाएगा माठ, डे से डेरू हो जाएगा और डे से डमरू हो जाएगा, मै से मृदंग और ने से हो जाएगा नौबत। इसके बाद हम घन वाद्य यंत्रों की तरफ बढ़ते हैं। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने या आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जिसकी ट्रिक है, श्री महात्मा रथ से झाँक कर चीख भरे, श्री महात्मा रथ से झाँक कर चीख भरे, ये इसकी ट्रिक है घन वाद्य यंत्रों की। इसको अप्लाई करते हैं। श्री से हो जाएगा श्रीमंडल, मै से हो जाएगा मंजीरा, हा से हो जाएगा हांकल, माँ से हो जाएगा माटा, रह से हो जाएगा रमझोल, थे से थाली, जहाँ से हो जाएगा झांझ, कैसे करताल, कर से हो जाएगा कगराज, ची से हो जाएगा चींपिया, कैसे खड़ताल और भरे से हो जाएगा भरनी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। ऐसी